लोटस प्रेगनेंसी केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे, क्या प्रेग्नेंट महिलाएं सर्दियों में चीकू खा सकती हैं? मैं इसके फायदे बता रहा हूं और इसके नुकसान भी बता रहा हूं। तो आइए, खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए प्रेगनेंसी में चीकू सर्दी के समय? तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन मैं आपसे बोलना चाहूंगा, चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। चीकू सर्दियों में मिलने वाला एक सुपर फूड है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और हम सभी कई तरह से इसे अपने डाइट में शामिल करते हैं। कुछ लोग इस फल को सीधे तौर पर खाते हैं तो कुछ लोग इसे स्मूदी और शेक बनाकर पीना पसंद करते हैं। क्या आप भी किसी रूप में इसका फल का सेवन करते हैं? यह सेहत के लिए बहुत लाभकारी होता है। इस अद्भुत फल में आयरन, पोटेशियम, कॉपर, फास्फोरस, मैग्नीशियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है। इसके अलावा यह कई औषधीय गुणों से भी भरपूर होता है, जैसे पॉलीफेनॉल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण। इसलिए सर्दियों में चीकू को अपनी डाइट में शामिल करने की मैं सलाह देता हूं। लेकिन गर्भवती महिलाओं के साथ अक्सर हम देखते हैं कि वे चीकू का सेवन करने से काफी कतराती हैं, जबकि महिलाओं के लिए एक पसंदीदा फूड में से एक है। ऐसा इसलिए क्योंकि आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि चीकू की तासीर गर्म होती है। अगर प्रेग्नेंट महिलाएं इसका सेवन करती हैं तो इससे उनका मिसकैरेज हो सकता है और प्रेगनेंसी के लक्षण भी गंभीर हो सकते हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या वाकई गर्भवती महिलाओं को चीकू खाना नुकसानदायक हो सकता है? क्या प्रेगनेंसी में चीकू खा सकते हैं? बहुत सारे क्वेश्चन महिलाओं के दिमाग में रहते हैं, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी में महिलाएं चीकू नहीं खा सकती हैं, लेकिन हमेशा ये सलाह दी जाती है वे बहुत कम या सीमित मात्रा में इसका सेवन करें। सीमित मात्रा में चीकू का सेवन आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है। ये माँ और बच्चे दोनों के लिए फायदेमंद होता है। इसमें विटामिन सी और कई जरूरी मिनरल्स होते हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। इसके अलावा इसमें पोटेशियम और आयरन जैसे मिनरल्स भी होते हैं जो हमेशा प्रेशर को कंट्रोल रखने और खून की कमी से बचाने में मदद करते हैं। लेकिन अगर कोई प्रेगनेंसी के दौरान कोई महिला चीकू को अपनी डाइट में शामिल करना चाहती है तो उन्हें इस दौरान सावधानी बरतनी चाहिए। उन्हें कुछ बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले तो आपका डॉक्टर, जो गायनिक लेडी है, जो जिसके पास आप जाते हैं इलाज के लिए प्रेगनेंसी का टाइम पे, उस डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि मैं चीकू खा सकती हूँ या नहीं खा सकती हूँ। अगर मैं खा सकती हूँ तो कितनी मात्रा में खा सकती है? मेरा एडवाइस आपको एक चीकू खाने का रहेगा अगर आप परफेक्ट आपकी प्रेगनेंसी है तो, माने कोई उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो। आपका डॉक्टर पहले अपने जो भी आपका स्थिति है उस हिसाब से आपको बताएगा कैसा कितना खाना है, कितनी मात्रा में खाना है। चीकू खाने से पहले गर्भवती महिलाएं इन बातों का भी ध्यान रखें। महिला को चीकू से एलर्जी तो नहीं है? कुछ महिलाओं को चीकू से एलर्जी होती है, इसके लिए मैं यहाँ पे ये चीज बता रहा हूं। किसी फल या अन्य फूड से एलर्जी होना बहुत सामान्य है। बहुत से लोगों में चीकू खाने के बाद एलर्जी देखने को मिलती है। ऐसे में अगर किसी महिला को चीकू से एलर्जी है तो उन्हें प्रेगनेंसी के दौरान चीकू खाने से बचना चाहिए। चीकू को अच्छी तरह से साफ करें।
अगर आपके डॉक्टर ने चीकू खाने की सलाह दी है तो इस बात का ध्यान रखें कि इसे खाने से पहले हमेशा अच्छी तरह से धोएं, क्योंकि इनके ऊपर धूल, मिट्टी, कीटनाशक और पेस्टिसाइड्स जमा होते हैं। कोशिश करें कि ऑर्गेनिक चीकू का सेवन करें। अगर ऑर्गेनिक नहीं मिलता है तो फिर आप जो मार्केट में मिलता है, आपको मन करता है वो आप खा सकते हैं, लेकिन सफाई का विशेष ध्यान रखना है। बिना धोए, बिना साफ किए चीकू को नहीं लेना है, या कोई भी दूसरा फल है आपको नहीं लेना है, नहीं खाना है। बिकॉज मार्केट में जो फल बहुत सारे मिलते हैं उस पे केमिकल यूज किया जाता है उसको पकाने के लिए, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। डायबिटीज वाली महिलाएं सावधानी बरतें। चीकू एक कैलोरी से भरपूर फल है, इसे खाने से वजन बढ़ सकता है, साथ ही इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और ये डायबिटीज वाली महिलाओं में ब्लड शुगर लेवल बढ़ा सकता है, इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना इसका सेवन ना करें। अगर कोई गर्भवती महिला पहले से ही किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रही है और उन्हें हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो ऐसे में चीकू का सेवन ना करें या डॉक्टर की सलाह पर ही करें। गर्भवती महिलाओं को अपनी डाइट प्लान बनाना चाहिए। उन्हें अपनी डाइट में आयरन, कैल्शियम जैसे जरूरी पोषक तत्वों और मिनरल्स लेने चाहिए। इनके प्राकृतिक स्रोत या फलों को शामिल करना हमेशा बेहतर रहता है। आप इसके लिए अपने डॉक्टर से परामर्श भी कर सकते हैं। आपके आपकी एक स्वस्थ और पोषण से भरपूर डाइट प्लान बनाने में मदद आपका डॉक्टर कर सकता है, और जो डॉक्टर आपको बोले उसी हिसाब से आपको खाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।